उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह कुछ और ही हो रहा है, ये स्थिति चिंता का विषय है। ये बात मुख्यमंत्री धामी ने 3 दिवसीय पुलिस सम्मेलन में बोली। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा, ये सर्वे उत्तराखंड पुलिस कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में अवांछनीय तत्वों को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। एक बार आपको सुनाते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी होती है, उसके लिए हमने कहा था कि हम उनका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वहाँ भी कहीं थोड़ा और तेजी चलाने की जरूरत है, और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ जाएगी। पुलिस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, इस राज्य का दैवी का स्वरूप बना रहना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत चिंताजनक है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो आवासीय तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कई और मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के अवांछनीय तत्वों की आबादी बढ़ने पर चिंता जताई। उन्होंने पुलिस को खुली छूट देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की पहचान और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देवभूमि में ना तो अवांछनीय गतिविधियां मंजूर हैं और ना ही अवांछनीय लोग। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि वो किस तरह से इन लोगों पर नकेल कसती हैं। जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने धर्मांतरण कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के साथ ही राज्य में किसी का भी बलपूर्वक या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। राजभवन में सरकार के धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक को मंजूरी देते हुए राजपत्र जारी कर दिया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि दोष साबित होने पर दोषी को 3 से 10 साल की सजा के साथ ही ₹50,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसमें प्रावधान ये भी है कि एक व्यक्ति के धर्मांतरण पर 2 से 7 साल की सजा और ₹25,000 का जुर्माना किया जा सकता है।